Hello everyone, I am Saket Bhajpayee, co-founder Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem. The question says, binary stars of comparable masses m1 and m2 rotate under the influence of each other's gravity with angular velocity omega. If they are stopped suddenly in their motions, their relative velocity when they collide with each other is this. वेयर r1 वन एंड आर टू आर रेडिया ऑफ स्टार्स फाइंड द वैल्यू ऑफ वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा टू द पावर थ्री तो देखिए बच्चों सवाल में हमारे को कहा गया है कि दो स्टार्स हैं है ना और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं और वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किसका काम कर रहा है उनके लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स है उसका काम कर रहा है तो बेसिकली ये सिस्टम कहलाता है बाइनरी स्टार ठीक है तो बच्चों जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये रहा एम वन है ना? ये रहा हमारा एम वन और उसका सेंटर यहाँ पर है इसकी रेडियस जो है हमारे को बोली गई है कि आर वन है उसी तरीके से ये रहा एम टू और उसका सेंटर ये रहा और इसकी रेडियस जो है अपने को आर टू दी गई है ठीक है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है है ना उसके अबाउट जो है ये दोनों स्टार्स क्या करते हैं घूमते है जैसे कि अगर एम वन जो है इस तरीके से घूम रहा है एम टू भी इसी सेंस में घूमेगा सच दैट कि हमेशा ये दोनों किस तरीके से पाए जाए हमेशा डायमेट्रिकली ऑपोजिट पाए जाए जिससे क्या हो कि सेंटर ऑफ मास जो है वो अपनी जगह रुका रहे ठीक है।, है तो बच्चों इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि दोनों की ही एंगुलर स्पीड क्या होगी सेम होगी ताकि दोनों सेम टाइम में सेम एंगल क्या कर सके कवर कर सके ऑल राइट अब देखिए बच्चों यहां पर हम लोग ये कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रुका हुआ है क्योंकि यहां पर सिर्फ दिया गया है कि ये दो स्टार्स हैं और इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स का जिक्र यहां पर नहीं है तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रुका रहेगा ठीक है अब देखिए बच्चों यहां पर कहा गया है कि इनको सडनली हमने स्टॉप कर दिया ठीक है तो अब जो है ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी तो लगी रहा है तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर जाएंगे ठीक है तो उस मोमेंट पे हमारे को रिलेटिव वेलोसिटी इस तरीके से दी गई है जिसमें अल्फा और बीटा हमारे को नहीं पता है वो पता लगाना है तब जाकर के हम लोग इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर पाएंगे ठीक है तो बच्चों मान लेते हैं कि एम वन और एम टू के बीच में है ना एम वन और एम टू के बीच में कितनी दूरी है एम वन और एम टू के बीच में जो दूरी है वो लेटर से डी है क्लियर बात तो अगर ये डिस्टेंस हम लोग डी मान रहे हैं तो हम लोग समझ सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास और एम वन के बीच की जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी तो ये बच्चों हो जाएगी प्लस एम टू और इसी तरीके से सेंटर ऑफ मास और एम टू के बीच की दूरी हो जाएगी एम वन डी अपॉन एम वन प्लस एम टू क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर दो पार्टिकल सिस्टम है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को इंटरनली इंटरनली डिवाइड करता है इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर ठीक है तो देखिए बच्चों यहां पर सबसे पहली इक्वेशन हम लोग क्या लगा सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है एम वन पे दैट इज जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वेयर वो किसका रोल प्ले करेगा तो वो रोल प्ले करेगा उसके वो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स जो है दैट इज एम वन ओमेगा कितना हो जाएगा तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास और एम वन के बीच की जो दूरी है वो है एम टू डी अपॉन एम वन प्लस एम टू ठीक है तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एम वन से एम वन कट गया एम टू से एम टू कट गया और इस तरीके से हम लोग ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी देख पा रहे हैं, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा जी एम वन प्लस एम टू अपॉन इधर आ जाएगा डी क्यूब ठीक है अब देखिए बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि इन दोनों को क्या किया गया रोक दिया गया है ना तो इनके बीच का सेपरेशन अगर d था तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जब ये कोलाइड करेंगे है ना जब ये क्या करेंगे कोलाइड करेंगे तो इनके सेंटर्स के बीच की दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी तो वो हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो घट करके हो जाएगी आर वन प्लस आर टू तो देखिए बच्चों कोलिजन के जस्ट पहले के इंस्टेंट तक हम लोग क्या लगा सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन तो हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे पहले एनर्जी जो थी वो कौन सी थी पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट वॉज माइनस जी एम वन एम टू अपॉन डी है ना क्योंकि सेंटर्स के बीच का सेपरेशन हमने डी माना है फिर ये किसके बराबर हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस जी एम वन एम टू अपॉन सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस आर वन प्लस आर टू अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ एम वन एंड एम टू लिखना पड़ेगा तो हम लोग यहां पर एक चीज समझ पा रहे हैं कि इस मोमेंट पर है ना इस मोमेंट पर दोनों के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए तो बच्चों मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम इसलिए होना चाहिए क्योंकि इस सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है ठीक है एक दूसरे पर ये लोग फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि सिस्टम का अगर शुरुआत में मोमेंटम जीरो था तो हमेशा जीरो होना चाहिए तो एक का मोमेंटम अगर P है राइट की तरफ तो दूसरे का मोमेंटम होना चाहिए P लेफ्ट की तरफ और हम लोग मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन जानते ही है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे एक की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी पी स्क्र अपॉन टू एम वन और दूसरे की हो जाएगी पी स्क्र अपॉन टू एम टू ठीक है अब देखिए बच्चों हम लोगों ने डी को तो रेज्यूम करा था खुद से तो डी की वैल्यू जो है यहां से निकाल करके हम लोग यहां पर पुट कर देते हैं ठीक है तब जाकर के हमारे को P मिलेगा और P हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्या है इसको आप m1 v1 भी बोल सकते हैं या तो m2 v2 भी बोल सकते हैं v1 और v2 मैंने किन्हें कहा है तो कोलिजन के जस्ट पहले जो m1 और m2 की स्पीड्स हो गई थी ठीक है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर P निकल गया तो v1 और v2 भी आ जाएंगे और v रिलेटिव कितना हो जाएगा V1 प्लस v2. क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं अप्रोच कर रहे हैं तो वी रिलेटिव क्या हो जाएगा सिंपली वी वन प्लस वी टू तो देखिए बच्चों यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा यहां से हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वेर अपॉन टू एम वन प्लस पी स्क्वेयर अपॉन टू एम टू इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग जी एम वन एम टू मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन आर वन प्लस आर टू माइनस वन अपॉन डी ठीक है अब देखिए बच्चों यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि पी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं ठीक है पी स्क्वायर कॉमन हो गया अपॉन टू भी कॉमन आ गया ठीक है अब इधर क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा हम लोग समझ पा रहे हैं एम वन एम टू और ऊपर क्या आ जाएगा एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू जी एम वन एम टू और इधर क्या आ जाएगा वन अपॉन आर वन प्लस आर टू माइनस वन अपॉन डी ठीक है तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि वन अपॉन डी क्यूब तो हमें मिला हुआ है है ना अपॉन डी क्यूब कितना है ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी एम वन प्लस काम करते हैं अपॉन डी को सिंपली लिख देते हैं ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी एम वन प्लस एम टू इस पूरे की पावर कितना इस पूरे की पावर वन बाई थ्री क्लियर है बात अब देखिए बच्चों जैसा कि मैंने आपको कहा था हमें चाहिए क्या चाहिए हमें p अपॉन एम वन प्लस पी अपॉन एम टू क्लियर ही बात बेसिकली ये v1 वन प्लस वी हो जाएगा ऑल राइट right. तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि हमें चाहिए p मल्टीप्लाइड बाय m1 वन प्लस एम टू अपॉन एम वन ठीक है तो देखिए बच्चों ऐसा कुछ यहां पर हमें बनता हुआ नजर तो आ रहा है ठीक है तो थोड़ा और इसमें कुछ करते हैं जिससे कि बिल्कुल ऐसा ही बन जाए ठीक है तो बच्चों एक काम करते हैं इस टू को है ना ये जो टू है यहां पर इसको इधर ले जाते हैं सबसे पहले तो यहां से मैं टू हटा दे रहा हूं ठीक है और मैं टू यहां लगा दे रहा हूं ठीक है ना अब यहां पर पी एम वन प्लस एम टू अपॉन एम वन एम टू चाहिए तो एक काम करते हैं यहां पर एम वन प्लस एम टू अपन एम वन एम टू इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और यही काम यहां भी कर देते हैं एम वन प्लस एम टू अपॉन एम वन एम टू ठीक है तो देखिए बच्चों इसे हम लोग कह रहे थे वी रिलेटिव और ये वाला जो पूरा का पूरा टर्म आ गया ये बेसिकली क्या हो गया वी रिलेटिव का स्क्वेयर तो बच्चों यहां पर अगर ऑल सिंप्लीफाई करें तो एम वन एम टू एम वन एम टू तो कट गए तो वी रिलेटिव का स्क्वेर कितना आ गया तो वो आ गया 2g m1 वन प्लस एम टू मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन आर वन प्लस आर टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर अपॉन जी टाइम्स एम वन प्लस एम टू पूरे की पावर वन बाय थ्री क्लियर की बात तो देखिए बच्चों अब हमारे को क्लियरली दिख रहा है कि वी रिलेटिव सिंपली कितना आ जाएगा तो वो आ जाएगा टू जी एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन आर वन प्लस आर टू माइनस ओमेगा स्क्वेर अपॉन जी एम वन प्लस एम टू इसकी पावर कितना वन बाय थ्री और इस पूरे की पावर कितना 1 by 2. तो इसे बच्चों इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करें तो अल्फा निकल के बेसिकली कितना आ गया अल्फा आ गया वन बाय थ्री और बीटा आ गया वन बाय टू ऑल राइट तो इसका मतलब वन बाय अल्फा कितना हो गया वन बाय अल्फा हो गया थ्री और वन बाय बीटा कितना हो गया तो वो हो गया टू तो अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि थ्री प्लस टू की पावर थ्री मतलब फाइव की पावर थ्री ये कितना हो जाएगा तो फाइव की पावर थ्री हो जाएगा वन ट्वेंटी फाइव तो देखिए बच्चों इस तरीके से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा की पावर थ्री बेसिकली कितना आ गया फाइव की पावर थ्री दैट इज वन ट्वेंटी फाइव और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों फाइनल आंसर तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे समझ में आया होगा इन केस अगर आपको कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय बाय